प्लीज तशरीफ लाएं। हम वो गाना सुन रहे थे 1942 का, जिसमें कहा गया कि लड़की को देखा तो ऐसा लगा कि फिर फलां और फिर फलां और फिर फलां और फिर फलां। लेकिन सबसे पहले इस लड़की को आपने देखा था जाहिर है, तो आपको कैसा लगा था? हमारे यहाँ सब बोलते थे कि लड़का ही होगा, जाहिर है क्योंकि ये बड़े बेटे हैं, तो एवरीवन यूज्ड टू से लड़का ही होगा, लड़का ही होगा। और जब लड़की हुई और हम लेबर रूम से अपने कमरे की तरफ जा रहे थे, हम लोग को ले जा रहे थे, हमारे पिताजी बहुत बीमार थे, नीचे थे वो व्हील चेयर में, उन्होंने पूछा क्या हुआ। अच्छा। तो हमारी फ्रेंड्स जो तब डॉक्टर थी, उन्होंने कहा लड़की, तो उन्होंने मुझको किया। दैट वॉज अ वेरी बिग इम्पैक्ट ऑन माई हार्ट। आई वॉज वेरी सैड। माई फादर इज सेइंग समथिंग। आई डिडंट टॉक टू हिम फॉर 3 मंथ्स। हमने उस दिन जब कोई नहीं था कमरे में, हॉस्पिटल के रूम में, आई वेंट अप एंड आई टोल्ड यू आर गोना बी समथिंग बेबी। You remember? हर उन दिनों की कुछ तस्वीरें देखते हैं जब आपने इनसे कहा था you are going to be something big। यहाँ देखते हैं तस्वीर। कई जमाना है पीछे। ये चूंकि मनीषा की फैमिली जो है नेपाल की, जैसे कि हम सब जानते हैं, बहुत मशहूर और बहुत बड़ी पॉलिटिकल फैमिली है और बड़े मशहूर लोग हैं पॉलिटिकल सर्कल में, तो मनीषा को शुरू में क्या लगता था कि मनीषा क्या बनने वाली है? आपने ये तो सुन लिया था कि माता जी ने कहा था यू आर गोना बी समथिंग रियली बिग, तो आपको क्या लगता था शुरू में? यस, मैंने एक्चुअली भरतनाट्यम और कथक चाइल्डहुड से ही सीखी हुई थी, बट आई वॉन्टेड टू बी एक्चुअली अ डॉक्टर। मैं बनना चाहती थी डॉक्टर और मैं पढ़ना चाहती थी, लेकिन आई मस्ट से आई वाज अ सिनेमा लवर इन टर्म्स ऑफ, मुझे सिनेमा देखने का बहुत ही ज़्यादा शौक था। सो काफ़ी कन्विंस करने में मुझे थोड़ा सा वक्त तो लगा, लेकिन मेरी दादी जी थी जिन्होंने कहा कि तुम्हें जो करना है वो you must do it, but you see to it that you do a decent job, do a good job. जो करें अच्छा करें। आपने कहा convince करने में कुछ वक्त लगा होगा, और जब आप ये कह रही थी तो पिताजी जो है मुस्कुरा रहे थे। तो सबसे पहले पिताजी को convince करने में ज़्यादा वक्त लगा था या माताजी को? Actually my daddy, my dad doesn't speak a lot, but he's extremely headstrong. मनीषा जी के बारे में तो ऐसी कोई बात सुनने में नहीं आई कि शी इज हेड स्ट्रॉन्ग, बड़ी सी माइल्ड सी है। तो करारा साहब, जब आपको मनीषा ने कहा कि मुझे जो है फिल्मों में काम करना है या मैं फिल्मों में दिलचस्पी रखती हूँ, तो आपको सबसे पहले तो कैसा लगा, और फिर आपने हाँ कही तो क्यों कही, ना कही तो क्यों कही? नो, यू सी आई वॉन्टेड हर टू बी इन पॉलिटिक्स because that is the profession where my entire family is involved. So that will be very easy for her to go get into politics. But this profession is a very, I mean, sort of new, very new, and whatever I heard in seen magazines,
They say it's a very dirty world or something like that. Oh God. So I just wanted to safeguard my daughter. जी, but अब तो आपको इत्मीनान हो गया कि मैगजीन्स की बातें जो है ज़्यादा किस्से कहानी वाली हैं। Yes, yes. ये गलत फहमियाँ लोगों को होती हैं कि आप फिल्मों में हैं तो आप ऐसे हैं, फिल्मों हैं आप तो वैसे, ऐसा कुछ नहीं है। और हम बेचारे फिल्म वाले जो हैं, खास करके ऐसे खूबसूरत फिल्म वाले जो हैं, लोगों को ज़्यादातर सुख ही देते हैं। हमारे पॉलिटिशियंस भी लोगों को ज़्यादा सुख देते हैं क्या? नहीं, ये तो इस पर एक दूसरा प्रोग्राम करना पड़ेगा। ये एक एक आपने जिक्र किया था कि आपकी ग्रैंड मदर जो थी, आपकी नानी दादी वो जो है हमेशा आपके साथ रही। आपने कहा कि जो आप करो जरूर करो लेकिन अच्छा करो। हम आपकी दादी की जो है कुछ तस्वीरें यहाँ देखना चाहते हैं। बाबा था सब सबको भगवान पर्छ कमती मान्छे असल छन् आचा आचार धन छैनन् है एकदम असल गर्नुपर्छ। नेपाली में बोला उन्होंने, पर उन्होंने ये कहा में कि ऑडियो विजुअल में कि जो भी करना है यू शुड बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। सो शी इज ऑफ दैट माइंड फ्रेम, यू नो शी इज नॉट जजमेंटल अबाउट व्हाट यू शुड डू व्हाट यू शुडन्ट डू, ट्राई एंड बी अ गुड पर्सन। दैट्स व्हाट शी मेंट हियर। दैट टाइम आल्सो शी सेड व्हाटएवर प्रोफेशन यू चूज ट्राई एंड डू अ गुड जॉब ऑफ दैट। वो फिल्म में देखती हैं? ऑफ कोर्स। अरे वाह भाई वाह, काफी फिल्म ही देखती थी, उन्हीं का उसको असर पड़ा। दादी का। तो देखिए ये आप खामखाई जो है मनीषा के पीछे पड़ रहा है, दरअसल तो आपको माताजी से झगड़ा था।